छोटू सुनाओ वन। छोटू सुना दे मैं बाबू तो बहुत अच्छा। मांटू पे ना आते, मांटू पे नहीं आते। मांटू को पढ़ा दो मांटू को। एक से कुमार। मांटू तेरा ठंडी लगने वाली है। अब बर्तन मुझे कर। माफ कर तो फिर। क्या चाह रहा? बिल्कुल साफ कर वो किचन। छोटू माटू धमका नु जा कपड़े बर्तन मांज ले जल्दी धमका दे। तो जी भी मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। और ये वाला सूट पहना है मैंने, आज पैंट बनवाई है इसके नीचे। बाकी आप लोगों को सूट कैसा लग रहा है वो बताइएगा। और हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी शेडी, ठीक है जी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हल्का सा अपना मेकअप किया। और सूट कैसा लग रहा है आपको ये बताइएगा। अहुई अष्टमी की मेरी सभी बहनों को, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी मैं अभी यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और ये वाला सूट मैंने डाल लिया है गले में। ये वाले इयररिंग्स मैंने डाले हैं, ये वाले, और गले में सिर्फ मैंने मंगलसूत्र डाला है।
ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा अपना और हाथों में पहन लिए है ये वाली चूड़ी। तो चलिए अभी चलते हैं कहानी सुनने के लिए। तो अभी जो होली की पूजा है हम वो करेंगे, बैठ के अपना दिया वगैरह जलाएंगे, कहानी वगैरह जो भी सुननी है अपना वो सुनेंगे। और भूख भी लगाई है क्योंकि आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं, हाँ मैंने सोचा चलो पहले अपना कहानी वगैरह सुन के उसके बाद ही जो है अपना चाय वगैरह पिएंगे। चलो सबसे पहले पूजा पाठ करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। दीपावली से पहले अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए हल से मिट्टी खोजने लगी। वहीं से ही की माद थी अचानक। तो जी भी मेरी पूजा पाठ हो गई है और अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। टाइट सी कर दिए बस इसे जी, मैंने कानों में ना आर्टिफिशियल डाले थे, मैंने वो निकाल दिए क्योंकि मेरे कान बहुत ज़्यादा दुखने लगे। पाखी भी आ गई है स्कूल से, तो ये सूट काफ़ी मंटू उस वाले से अच्छा लग रहा है या उस जैसे ही लग रहा है? उस वाले से तो बहुत अच्छा, हकीकत बता ली चाहिए। मेकअप सही हो रहा? बहुत खूबसूरत, बदसूरत नहीं कह सकते ना। तो कर दे, अरे रुक जाओ, मैं एकदम खोल दूँगी। पहले कॉटन की थे, पहले मैं धो लिया करूँ थी पर अब नहीं होगी सर। एक बार मेरे सूट क्यों होगा? तो जी ये है मेरा सूट और मैं रेडी हो गई हूँ। आप लोगों को मेरा सूट कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। और सही सिला है, थोड़ा सा बस यहाँ पे दिक्कत लग रही है, बाकी मुझे कुछ नहीं, सही है। और पीछे देखो ये लटकन तरीके की लटकन है और इसके नीचे बनवाई है मैंने पैंट, ठीक है जी। काफ़ी प्यारा लग रहा है ना? चलो जी, बस अभी थोड़ी देर में जो है वो अपना खाना पीना बनाने में लग जाएंगे। अभी बस थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी जब, ताकि टाइम से खाना पीना हो जाए। तो जी भी मैंने यहाँ पे छोले जो है वो बनाने शुरू कर दिए हैं और प्याज नहीं यूज़ की है इसमें मैंने, टमाटर और बस सारे मसाले ऐड किए हैं। तो जी यहाँ पे जो है हमारे जो छोले हैं वो बनके हो गए हैं तैयार, और इधर मैं अभी पूरी बनाना शुरू कर रही हूँ। छोले तैयार हो गए हैं, देखने में तो सही लग रहे हैं, बाकी तो खाने वाले बताएंगे कि कैसे बने हैं, है ना। अभी इनको मैं ढक देती हूँ। दे दो ना, दे दो,
तो जी अभी मैंने यहाँ पे पूरी बनानी शुरू कर दी है, सब्जी हलवा वगैरह सारी चीज़ें बन गई हैं। तो अभी सबसे पहले पूज लेंगे और फिर सारा खाना एक जगह ही रख लूँगी। रायता वगैरह सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं, बस अभी फटाफट से जो है वो पूरी उतारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सभी लोगों के लिए खाना लेके, घर वालों के लिए मतलब जैसे पापा जी, अंकल जी, मम्मी, बच्चे, सभी लोग। तो बस ये है कि पूज के अपना टाइम से ले जाएंगे, इनको भी थोड़ा सा आने में लेट हो गया, वरना मेरा ये था कि और जल्दी जो है हम खाना पीना लेकर के चलते। पर कोई नहीं, अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी भी जब मैं पूरी बना रही हूँ 5:15 बजे का ही टाइम है ये, तो ये है कि टाइम से हो जाएगा। और तब तक देखो तारा भी निकल आएगा, क्योंकि तारे को देख करके ही वो सारा खाना पीना जो है पूज करके मैं दे के आऊँगी। तो चलिए अभी चलते हैं घर पर। नहीं बेटा, नहीं बोलो क्या कर दिया। हेलो, मैंने खराब चबा देंगे, चबे डाल दो इतनी जल्दी ना भैया, कोई बात नहीं मैं याद दिला दूँ, अपने पास से मत करो, कोई बात नहीं। तो ऐसे आपसे कैसे मेरे से खूब है ठीक है ठीक है ठीक है।
आ जाओ अंकल जी, आ जाओ अंदर ही, आ जाओ कोई बात, आ जाओ अंदर ही। आ रहे तो भाई, हाँ भाई भाई मैं कह रहा एक डेट के उस पर है ना वकालत नामा बदल के करवा लेना, कर देगा बंदे करवाया, कोई भी हो पता मैं।